बदलना है तो अपने वोट का इस्तेमाल करके हमने यहाँ अपना मुस्तकबिल यहाँ मिसाइलों की कमी नहीं है, चाहे जो स्ट्रोन गोली की बात फिजरपुर में पड़े ला टाइगर साहब पढ़ते हैं इसकी अगर हम और नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिटाने की कितनी कोशिशें की गई इससे पहले सब नाकाम हुई और मुझे उम्मीद है कि इस तंजीम के साथ रहेगा ये तंजीम आपके साथ खड़ी रहेगी। मुझे पता है बहुत सारे वो कर्मी हैं, मेरी गुजारिश है आगा महमूद साहब से आपका अपना आगा महमूद साहब आने वाले जो असेंबली इंतखाबात हैं उनमें जमात इस्लामी उतरे और बढ़ चढ़ के हिस्सा ले। अभी तक तो बीच बीच में हम ये सुन रहे थे मुख्तलिफ इलेक्शनों में कि कहीं ना कहीं वो उम्मीदवारों की मदद करने की बात कर रहे थे, अब उनका अपना उम्मीदवार होगा, बढ़ चढ़ के हिस्सा ले। जहाँ तक आप लोगों को ये अजीब नहीं लगता कि जहां उनका कोई उम्मीदवार नहीं है, जहां वो इलेक्शन नहीं लड़ रहे, वहां कैंपेन छोड़ के दो दिन के लिए होम मिनिस्टर साहब यहां आ रहे हैं। शायद ये इस बात का नतीजा है कि वो जान गए हैं कि श्रीनगर की सीट जो है वो आगा रूहुल्लाह साहब जीत गए हैं। अब वो किसी न किसी जो है इस कोशिश में लगे रहेंगे कि कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस को वो किस तरह नुकसान पहुँचा पाएंगे, लेकिन इंशाल्लाह लोगों का साथ हमारे साथ है और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि बाकी जो दो सीटें हैं अनंतनाग और बारामूला की, इनमें भी नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है अच्छी कामयाबी हासिल करेगी। इंजीनियर रशीद के जी को हक है, बड़ी अच्छी बात है, करें। मुझे तो जहाँ तक लगता है फिलहाल जो हमारी असेसमेंट है कि मुझ पर असर करने से पहले मेरे खिलाफ जो जीतने का दावा कर रहे थे असर उन पर हो रहा है, इसलिए कल से आपने एक बयान में तब्दीली सुनी है। जहां कल तक सजाद लोन साहब इलेक्शन जीतने की बात कर रहे थे, आज उनका बयान बदल गया है। आज वो कहते हैं कि उनका जीतना इतना ज़रूरी नहीं है जितना मेरा हारना है। तो उन्होंने अपनी हार तो तस्लीम कर ली है, अब आगे देखते हैं क्या होता है। थैंक यू।